जगह जगह पर पुलिस की बैरिकेडिंग करके यहाँ पर पुलिस प्रशासन तानाशाही कर रही है। गाड़ी रोकिए ना। अब अगर हम गलत है तो आप हमें ज्यादा हमारे ऊपर कार्रवाई करिए और हमें ले जाइए थाने पे। हम थाने पे बैठेंगे। मैडम जी चलो जाने दीजिए। मैडम आप जाने दीजिए। नहीं मैं तो यही बैठूंगा मैडम। आप मुझे जा सकते बताओगे मैं यही बैठूंगा सुबह शाम से धंधा। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। पुलिस ने रोकी नेता की गाड़ी, ट्रक के आगे बैठा लगी ब्रेक। महिला पुलिस बोली भाई तू जा। रोड पर जबरदस्त हंगामा। गाड़ी खड़ी कर दे, गाड़ी बंद करके आ जा। गाड़ी कहीं नहीं रहेगी। हाँ गाड़ी नहीं रहेगी। ये गाड़ी नहीं रहेगी सर, मैं यही बैठूंगा। आप बैठिए। हाँ आपकी है गाड़ी, बैठ रहे वहाँ पे। चाबी निकाल ले जा। मैडम रुकिए ना, इनको गाड़ियों को रुकिए ना। आप क्यों जा रही गाड़ियाँ? आ जा आ जा, बैठ जा बैठ जा। हम जाए नहीं, आप बोलो ना हम जाए तो बोलो। आप बोलिए ना हम जाए। रोड से नहीं, मैं तो यही बैठूंगा मैडम। आप मुझे जा तक नहीं बताओगे मैं यही बैठूंगा सुबह शाम से धंधा। वहाँ पे लोग आ रही, मेरी 40-50 गाड़ी आ रही, सब यही रोक के हम बैठेंगे। हमारी जो गाड़ी आ रही है ना। कौन लोग आ रहे हैं? अरे अभी आएंगे, ये बैठेंगे। अब बताएंगे, हम भी जाते हैं कि हम पूछेंगे आपसे कि आपने हमें क्यों रोका गया। मैडम किस अधिकार के तहत रोका गया है हमको? पत्रकार नहीं है तुम? अरे हम तो नहीं, हम तो आम आदमी है मैडम। तो मैडम किसी को कुछ पूछने का सवाल नहीं है क्या? अधिकार नहीं है किसी को कुछ पूछने का? आम आदमी का अधिकार है। हमें क्या हुआ? आप प्रशासनिक अधिकारी है मैडम। मैडम नहीं चलो जाने दीजिए। एक मिनट मैडम, आप जाने दीजिए। नहीं आप हाँ तो नहीं कि चिल्ला छोड़ कर आप जा, एक गाड़ी रोक रहे जा रहे हैं आप। बैठिए चल गाड़ी ले, बंद बंद गाड़ी बंद। पहले आप इसको आप मेरे को जाने देने को रोक रहे हैं। अब नहीं जाऊँगा, मैं बैठूंगा। आप क्यों रोक रहे हो? आप और अगर सर विजिट है तो सभी की गाड़ी रुकना चाहिए ना सर। तो चेकिंग करो ना सर, चेकिंग करो ना। ये सर पीएन गोयल साहब अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों गाड़ियां रोकी गई है। अरे हम 10 मिनट, आपने हर बार मेरी गाड़ी क्यों रोकी? सुना इधर, एक मिनट। आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मी रोड पर बैरिकेड। अचानक एक नेता की गाड़ी रुकवा दी, बोला चेकिंग होगी। लेकिन उसके बाद ऐसा पारा हाई हुआ इन नेता जी का कि जाकर रोड पर ट्रक के सामने बैठ गए और अचानक रोड ब्लॉक हो गया। ये घटना भोपाल हाईवे मध्य प्रदेश की बताई जा रही है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से इस नेता और पुलिस कर्मी के बीच तू तू मैं हो रही। नेता जी भड़क गए, चेकिंग करवाने के नाम पर रुकवाया गया तो उन्होंने हो हल्ला शुरू कर दिया, हंगामा मचाना शुरू कर दिया, रोड पर ही धरना दे डालने की बात की। आखिरकार पुलिस कर्मियों ने उन्हें मनाया। महिला पुलिस कर्मी ने रोड से उठाकर साइड कर दिया, फिर भी उनका पारा नरम नहीं हुआ। उन्होंने हंगामा इस बात पे मचा दिया कि आखिर सिर्फ उन्हीं की गाड़ी क्यों रोकी गई है, बाकी गाड़ियों को भी रुकवाने की उन्होंने बात की। अधिकारों, भेदभाव, इस सब की बात करते हुए तानाशाह तक बोल दिया। और जब इन सब पर पुलिस कर्मियों से सवाल किए गए तो ये जवाब मिल रहा है महिला पुलिस कर्मी से कि तुम पत्रकार नहीं। कुल मिलाकर इस रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आखिरकार इन्हें मनाने के लिए पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए और इन्हें वहां से भेज दिया गया और यातायात भी सुचारू रूप से चल सका। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ।
आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है, चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।